जय श्री गणेश। आयुर्वेद से ज्योतिष कह रहे, कैसा भी हो आपका भाग्य, करें ये उपाय और इसे सौभाग्य में बदलिए। सिर्फ एक उपाय आपका भाग्य बदल देगा। जय श्री राम। दोस्तों, अभी तक आपका भाग्य कैसा भी रहा हो, आप किसी भी राशि के हों, यदि आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपका भाग्य 100% बदलेगा ही। करें ये उपाय पूरे विश्वास के साथ तो आपका भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और आपको सुख, वैभव, धन, संपत्ति, संपन्नता प्राप्त होगी। यह तो आप जानते ही हैं कि किसी भी मंत्र के नियमित जाप से आपका भाग्य सौभाग्य में बदल सकता है और आप मनचाही जायज वस्तु व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और इसे अनुभव भी किया होगा आपने। वैसे यह हर व्यक्ति का अनुभव, और जिन लोगों ने नहीं किया है यह अनुभव वे कर सकते हैं। इसी तरह ये भी आप जानते ही हैं कि यह मंत्र किसी पंडित, पुरोहित, सदगुरु के द्वारा दिया गया हो तो इस मंत्र का पावर कई गुना बढ़ जाता है और वह उतनी ही तेजी से साधक का भाग्य बदल देता है। दोस्तों, यह भी आप जानते ही हैं कि ग्रंथ शास्त्रों में, गीता पुराणों में, दुर्गा सप्तशती में, रामायण और महाभारत आदि आदि पवित्र महान ग्रंथों में हजारों मंत्र हैं। इन मंत्रों का उपयोग आदि काल से मनुष्य करता आ रहा है और अपने परिवार को सुख, शांति, धन, वैभव, स्वास्थ्य प्रदान करता आ रहा है। लेकिन ये मंत्र जब और भी अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं, जब इन्हें कोई पंडित, पुरोहित, आचार्य, सदगुरु द्वारा प्रदान किया जाता है, और ये मंत्र और भी जल्दी फलित होते हैं जब साधक इसे पूरे विश्वास के साथ करता है। इसलिए ये साधक को सफलता प्रदान करते हैं। कहा भी गया है कि विश्वास फलदायकम, विश्वास फलदायकम, यही वो बिलीफ सिस्टम है जो साधक को मनोवांछित फल प्रदान करता है, और गुरु उसी बिलीफ सिस्टम पर कार्य करके उसे बलशाली बनाता है, सकारात्मक बनाता है, जिससे शिष्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। अतः मनुष्य इसी गुरु परंपरा को ही आधार बनाते हुए, पीढ़ी दर पीढ़ी लाभान्वित होते हुए इस गुरु परंपरा का निर्वाह करते चले आ रहा है। गुरु, शिष्य और दक्षिणा का महत्व आदिकाल से ही चला आ रहा है। इसी गुरु शिष्य परंपरा ने राम कृष्ण, हनुमान, अर्जुन जैसे शिष्य दिए हैं, और राम कृष्ण, हनुमान, अर्जुन, चंद्रगुप्त ने भी विशेष उपलब्धि हासिल करने के लिए गुरु के सानिध्य में रहकर यज्ञ, हवन, अनुष्ठान किए हैं और सफल हुए हैं। अतः इसी गुरु परंपरा के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पंडित, पुरोहित, सदगुरु, आचार्य, ज्योतिष आचार्य, मर्मज्ञों और महामनीषियों के परंपरा का पालन करते हुए एवं उनकी कृपा, आशीर्वाद एवं उनकी परम प्रेरणा से यहाँ एक मंत्र बताने जा रहा हूं जो आपके भाग्य को जगा देगा, आपके जीवन को महका देगा, आपके जीवन को ऊर्जा से भर देगा। आपका भाग्य कैसा भी सोया हो, आपके भाग्य को सौभाग्य में बदल देगा और आप जी उठेंगे। आपका भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और आपको सुख, वैभव, धन, संपत्ति, संपन्नता प्राप्त होकर आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आप कह उठेंगे, क्या ऐसा आनंद है इस जीवन में। यह उपाय आपको कैसे करना है और कब करना है यह जानना बहुत आवश्यक है, तो इस उपाय को पूरे ध्यान से सुने। यह उपाय आपको दिनांक 22 जनवरी 2018 से शुरू करते हुए दिनांक 3 मार्च 2018 तक करना है। इस 41 दिन के सौभाग्य जागरण यज्ञ का आरंभ बसंत पंचमी के दिन से अर्थात सरस्वती जयंती से अर्थात 22 जनवरी से
आरंभ होकर इसकी संपन्नता अर्थात पूर्णता बसंत उत्सव अर्थात होली 2 मार्च एवं 3 मार्च भाई दूज तक होगी। यह 41 दिन का सौभाग्य जागरण यज्ञ अपने आप में कई योगों का समावेश किए हुए है जो आपके इस यज्ञ अर्थात सौभाग्य को प्रभावशाली रूप से जागृत करने वाला है। जैसे चंद्र ग्रहण का योग दिनांक 31 जनवरी को बहुत शुभ फलदायक सिद्धि प्रदान करने वाला बन रहा है, इस ग्रहण योग में इस मंत्र का 2100 या 11000 बार जप करना है और दिनांक 27 जनवरी 2018 को जया अजय एकादशी, दिनांक 11 फरवरी 2018 को विजया एकादशी, 26 फरवरी को अमल की एकादशी एवं 27 फरवरी को पुष्प नक्षत्र पर 2100 मंत्रों का जाप करना है। दिनांक 13 फरवरी 2018 को महाशिवरात्रि पर रात्रि जागरण में 2100 मंत्र का जाप करना है। 15 फरवरी को अमावस्या को 7:15 से 7:50 तक मंत्रों का जाप करना है एवं संपन्नता पूर्णता करते हुए दिनांक 1 मार्च को पूर्णिमा के दिन सायं 7:15 पर 2100 मंत्रों द्वारा यज्ञ पूर्ण आहुति देना है। दिनांक 2 मार्च को होली के दिन और दिनांक 3 मार्च को भाई दूज के दिन 2100 मंत्रों का जाप करेंगे तो निश्चित रूप से यह मंत्र सिद्ध होकर आपके भाग्य को सौभाग्य में बदल देगा। इन विशेष दिनों के अलावा अन्य सामान्य दिनों में रोजाना 1100 मंत्रों का जाप करना है। दिनांक 27 फरवरी 18 को पुष्प नक्षत्र पर सौभाग्यशाली योग बन रहा है। इस दिन देश देश की जड़ लाकर अपने पास में रखें तो निश्चित रूप से सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी और फिर 20 मई 2018 को रवि पुष्प नक्षत्र वाले दिन देश देश की जड़ लाकर अपने पास रख लेना चाहिए तो आपका सौभाग्य 100% हो जाएगा। इसके अलावा जो उपाय करना है वो है शनिवार को पीपल में जल अर्पित करते हुए देव एवं पितरों से क्षमा याचना करना है। शाम को सरसों के तेल का दीपक लगाना है। दूसरा है सोच सकारात्मक और चरित्र साफ रखना है। तीसरा है जो आपके पास है उसे महसूस करें और उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। चौथा है उक्त मंत्र का मानसिक जाप चलता रहे, कोई विशेष काम ना हो तो वो दोहराते रहे। क्षमा प्रार्थना में मन ही मन कहें कि हे देव पितरगण, मुझसे इस जन्म में या पिछले समस्त जन्मों में कोई भी मनसा वाचा कर्मणा अर्थात भाव विचार वाणी क्रिया से कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ करे। इस तरह अंतर मन से क्षमा मांगे और ये उपाय करते रहें, फिर देखिए आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन होने लगेंगे। जातक को मानसिक जाप अवश्य करते रहना चाहिए। उक्त तरीके से किया गया उपाय आपके जीवन में निश्चित रूप से सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला है। यह आप दृढ़ निष्ठा विश्वास बनाकर रखें, आपके जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन होगा ही। दोस्तों इस तरह 2018 का यह वर्ष आपके लिए चाहे 40-50% या 70-80% भाग्य लेकर आया हो या 2018 से पहले जो भी भाग्य रहा हो, परंतु यदि आपने उपयुक्त दिए गए योगों को ध्यान में रखते हुए ये उपाय किया तो आपका ये सौभाग्य 100% होकर आपके जीवन में उन्नति सुख समृद्धि जरूर लाएगा। क्योंकि यदि आपने इन योगों को ध्यान में रखकर अवसर का लाभ उठाया तो 100% भाग हो जाएगा। यदि अवसर का लाभ नहीं लिया तो भाग जैसा है वैसा ही रहेगा अर्थात अवसर निकल जाएगा। दोस्तों जैसे आप किसी पंगत में खाना खा रहे हैं, गुलाब जामुन वाला दूसरी बार गुलाब जामुन लेकर आया और आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो वह निकल जाएगा।
आगे बढ़ जाएगा और उसे देगा जिसने उसे बुलाया था या जिसने बोला कि हाँ दे दो, तो वह उसे दे देगा। यह तो गुलाब जामुन अर्थात सौभाग्य देने के लिए ही आया था। वह तो गुलाब जामुन अर्थात सौभाग्य देने के लिए ही आया था, तो वो देकर ही जाएगा, पर वो उसे देगा जो लेना चाहेगा। यह योग फिर अगले वर्ष आएंगे या नहीं, यह कह नहीं सकते। अतः इन योगों का अवसरों का लाभ उठाएं, यही हमारी आशा और कामना है। यह वर्ष आपको सुख समृद्धि से मालामाल कर दे, यही हमारी कामना है। आपका भाग्य कैसे बदलेगा? दोस्तों, आपको जानकर प्रसन्नता एवं आश्चर्य होगा कि इस 41 दिन के दौरान आपके पास 9 बड़े बड़े सिद्धिदायक योग आपके सौभाग्य को जगाने में सहयोग करने वाले। ये सिद्धिदायक योग इस प्रकार है। पहला सिद्धिदायक योग है चंद्रग्रहण। दूसरे नंबर पे 3 सिद्धिदायक योग आ रहे हैं, जया एकादशी, विजया एकादशी और अमल की एकादशी। तीसरे नंबर पर सिद्धिदायक योग महाशिवरात्रि बन रहा है। चौथे नंबर पर अमावस्या है। पांचवें नंबर पर पूर्णिमा है, होली वाली। छठे नंबर पे 2 पुष्प नक्षत्र हैं और इस तरह कुल 9 सिद्धिदायक योग बन रहे हैं। जब साधक इन 9 सिद्धिदायक योगों में साधना करते हुए निकलेगा तो उसका भाग्य सौभाग्य में निखर जाएगा, उसका भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। अतः यह साधना साधक का निश्चित रूप से सौभाग्य जगाने वाली है। अतः वह मंत्र कौन सा है जो आपके भाग्य को सौभाग्य में बदल देगा, इसके लिए फोन करें और जानें सौभाग्य मंत्र। अतः फोन एवं ईमेल पर जल्दी संपर्क करें, समय बहुत कम बचा है। अतः दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। अतः अभी लाइक करें और इसे शेयर भी करें ताकि आपके भाई बंधु इस योग का लाभ लेकर सौभाग्यशाली हो जाएंगे। धन्यवाद।